वेलकम टू स्प्रिंकल विद स्नेह। तो आज हम बनाएंगे प्याज के पकौड़े बिल्कुल ही अलग तरीके से। इस तरह से अगर आपने प्याज के पकौड़े बना लिए ना, तो जब भी आप पकौड़ों को याद करेंगे आपको यही रेसिपी याद आएगी, बाकी सारे पकौड़े आपको फीके लगेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चना डाल ली है, कम से कम उसे 4 घंटे के लिए सोख करके रखना है। और यहाँ पर 4 घंटे हो चुके हैं, चना दाल सोख हो चुका है अच्छे से। अब हम इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। और अब हम लेंगे ग्राइंडर जार, इसमें पीस लेंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है इसे ग्राइंड करने के लिए। और यहाँ पे हमारी दाल पीस चुकी है, तो अगर आपको दिक्कत हो रही है पीसने में तो आप 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा, उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। और ये जो पेस्ट है इसको बहुत ज़्यादा क्रीमी या स्मूथ नहीं करना है, हल्का ग्रैनुलर रखना है, दानेदार रखना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चावल का आटा, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, गरम मसाला, हरा प्याज स्लाइस में कटा हुआ, 2 से 3 प्याज और कटे हुए। और अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक बार नमक डाल दिया तो ज़्यादा देर मिक्सचर को वेट नहीं करना है, नहीं तो प्याज जो है वो पानी छोड़ने लगेगा और मिक्सचर बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो एक एक करके पकौड़े इसमें डाल देंगे। पकौड़ों का जो शेप है वो फ्लैट रखना है, थोड़े टिक्की स्टाइल जैसे होता है ना बिल्कुल वैसे, ताकि पकौड़े अच्छे से कुक हो जाएँ और अच्छे से क्रिस्पी हो। और यहाँ पर पकौड़ों का कलर जब इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसे बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पकोड़े कितने क्रिस्पी और यम लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सेकेंड बैच डाल रही हूँ, एक एक करके पकोड़ों को बिल्कुल लो टू मीडियम हीट पे कुक करना है। और अगर आपको पकोड़े और भी ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो एक बार आप इसे निकाल लीजिए, और जब ये ठंडे हो जाए तो दोबारा से कुछ सेकेंड्स के लिए आप इन्हें डीप फ्राई कर लीजिए, पकोड़े और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पकोड़े बनके बिल्कुल तैयार हो गए। हरे प्याज और पीसे हुए दाल से जो पकोड़े बनते हैं उनका स्वाद ही अलग होता है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कॉमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।